अब बात फिर से फरीदाबाद की। फरीदाबाद के डॉक्टर संजीत पानेसर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया है। डॉक्टर संजीत पानेसर चीन में जाने वाले उस दल में शामिल थे जो कि एयर इंडिया के विभाग में जाकर वहां पर कोरोना वायरस की चपेट में आए लोगों में फंसे भारतीयों के लेकर आया था। इस कार्य में दल के सभी मेंबर्स को इस बीमारी को होने का खतरा था, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हिम्मत दिखाते हुए वहां फंसे हुए भारतीयों को अपने देश में लाने का सराहनीय कार्य किया है, जिसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फरीदाबाद की प्रधान डॉक्टर पुनीता हसीजा ने बताया कि उन्हें ऐसे डॉक्टरों पर गर्व है जो कि अपने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपनी जान को भी खतरे में डाल देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर पुनीता हसीजा, मैं प्रेसिडेंट IIM फरीदाबाद। मैडम, कोरोना वायरस को लेकर जो एक जो चीज़ें चल रही हैं, जनता के एक भय का माहौल हो गया था चीन को देखते हुए, भारत में भी लगातार लोगों में ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, बच्चों का केयर हो रहा है, कैसे अब जो है इसकी निजात निकालने के प्रयास हो रहे हैं आपकी ओर से, कैसे इनको रोका जा सकता है, क्या क्या सावधानियां बरतें हैं, क्या कुछ नज़र आ रहा है अब आगे? इसमें जो भय का माहौल डेफिनेटली हो गया था, क्योंकि इसमें मॉर्टेलिटी मतलब जो पेशेंट की डेथ हुई वो काफ़ी ज़्यादा राइज कर गई थी, लेकिन हमें वहाँ की स्थिति और हमारे देश की स्थिति में बहुत फ़र्क है, क्योंकि वहाँ जब ये फैला था तो वहाँ पे थोड़ा डिस्क्लोजर लेट हुआ और लोगों को तब तक फैल चुका था, और वहाँ पे जो लोग मरने लगे तो WHO ने भी इमरजेंसी घोषित की, तो बाकी देश के लोग भी डर गए थे। तो लेकिन भारत में ऐसा कुछ अभी ऐसा है नहीं, जो हमारे भारत सरकार ने अपना एक स्पेशल एरोप्लेन भेज के अपने जो मरीज थे वहाँ से, अपने लोग थे उनको निकाला है वहाँ से, और उनको थोड़े दिन 15-20 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा, जो अलग से रखा गया, और उनका इलाज करा गया है। तो ऐसा कोई भारत में भी फैलने की संभावना नहीं है, क्योंकि बहुत टाइमली हमारी गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन ले लिया है। और भय का कारण इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो है कि अभी हमें इसका बचाव नहीं पता, हम इसको प्रिवेंटिवली प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम ऐसे मरीज से ना मिलें, और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक जो है कंजर्वेटिव है, कि इसमें पेशेंट को बायलेटरल निमोनिया हो जाता है, और पेशेंट जिनको जैसे डायबिटिक हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं या बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं, उनमें इम्यूनिटी का लेवल कम होता है, तो इसलिए उनको ये चीज़ असर ज़्यादा कर जाती है। तो अभी भारत में ऐसा कोई बहुत डरने की बात नहीं, क्योंकि इसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं हमारे सिविल हॉस्पिटल से या हमारी भारत सरकार की तरफ से लिए गए हैं, होर्डिंग्स लगाए गए हैं, प्लस TV के माध्यम से बताया गया है कि बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खांसी ज़ुकाम है या आपको बहुत लंबी खांसी छिड़ रही है